अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में दोबारा से जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जा रहा है और मुकम्मल कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने कल अनाउंस किया था कि वो 5 दिन के लिए ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज़ टोटल जो है कर्फ्यू रहेगा। तो ओमान में भी जो है कर्फ्यू की जो है इतलात आ रही हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक से होगा। आज 13 तारीख है, बुध का दिन है। तो जो खबरें हैं वो ये हैं कि मे बी नेक्स्ट वीक, यानी ईद से जो एक हफ़्ता पहले वाला है, उसमें जो है कर्फ्यू का ऐलान किया जाएगा। अभी कोई कंफर्म नहीं है न्यूज़, लेकिन यानी इस चीज़ के ऊपर गौर चल रहा है कि कर्फ्यू कब लगाया जाएगा, क्योंकि केसेस जो हैं डेली जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसको कवर अप करने के लिए और टेस्टिंग के लिए जो है वो कर्फ्यू लगाया जाएगा और मैक्सिमम जो नंबर्स जो हैं वो टेस्ट किए जाएंगे, यानी ज़्यादा तादाद में जो है वो टेस्ट किए जाएंगे कुछ दिन कर्फ्यू लगा के, ताकि मज़ीद जो है स्क्रीनिंग हो सके, पता चल सके कि कोरोना के क्या हालात हैं, किस स्टेज पर हम खड़े हैं। तो ओमान में जो है एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक आर माइट बी दे विल डू सेम लाइक ईद हॉलीडेज़। अभी जो है मज़ीद कन्फर्म होगा तो आपसे वो भी शेयर करेंगे। और दूसरा, कल वादी कबीर में बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं वो टेस्ट हुए हैं, तो अब देखते हैं उसकी रिपोर्ट जो कल ही आएगी। उसमें से जो सुनने में आ रहा है कि जी काफ़ी तादाद में जो टेस्ट हुए हैं उसमें से 30% जो है वो पॉजिटिव केसेस हैं। तो बाकायदा रिपोर्ट जो है वो रिज़ल्ट जो कल मिलेगा, तो कल इंशाल्लाह अनाउंस जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी तो पता चल जाएगा कि वादी कबीर में जो आज इन्होंने टेस्ट किए हैं उसके उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इसके अलावा और बहुत सारी मसाइल जो हैं कोरोना की वजह से पैदा हो रहे हैं, उनको बियर करें, एक दूसरे का मिलजुल के जो है वो ख्याल रखें, इसी तरह टाइम गुजरेगा। तो एक दूसरे के काम आते रहें, ज़रूरतें जो हैं हमारी एक दूसरे के वो पूरी करते रहें। बहुत सारे लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं, सैलरीज़ का बहुत मसला है, वो वैसे भी 2 महीने हो चुके हैं, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल काम भी नहीं कर रही और एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही, स्पेशली एक्सपर्ट्स जो हैं वी आर सफरिंग। सो एक दूसरे की मदद करें, जिसको जितना हो सकता है वो अपने इर्द गिर्द अपने जानने वालों सबको जो है जैसे तैसे कुछ भी है हमें बुरा वक्त गुजारना है। सो ऑलवेज कीप प्रेइंग, दुआ करते रहें अल्लाह ताला जल्दी से वबा को ख़त्म करे और फिर से जो है ज़िंदगी वही नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली अज़ीज़ो अक़ारिब का ख्याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का और हमारा ख्याल रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट इज़ हाउ यू कैन हेल्प अस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत एमरजेंसी हो तो बाहर निकलें, डोंट यानी पब्लिक में गैदरिंग क्राउड में जाने से गुरेज करें। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।